हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या भाग क्रिएटिविटी जोन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड लव। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना लंच रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने भिगोया था रात में राजमा, तो मैं बनाने जा रही हूँ राजमा, चावल, रोटी और सलाद। तो सबसे पहले मैंने राजमा को धो के रखा था वैसे, तो राजमा को फिर से एक बार थोड़ा सा धो के कुकर में मैं पहले बॉयल करती हूँ। तो राजमे में इतना पानी डालकर मैंने उसमें नमक डाल दिया है, आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच बाद में डालूँगी। और इसको रख देंगे, सीटी लगा देंगे। राजमा हो गया है और राजमा को 3-4 सीटी लगानी है, और तब तक मैं प्याज काट लेंगी। मैंने 200 ग्राम तक राजमा लिया है, तो उसके लिए मैं 3 मीडियम साइज प्याज ले रही हूँ और 2 बड़े टमाटर ले रही हूँ। प्याज, टमाटर और मैंने आधा इंच अदरक लिया है और 3-4 कलियाँ लहसुन के लिए हैं। इन सबको अच्छी तरह से धो दिया है और अब मैं प्याज को बहुत महीन महीन कट कर रही हूँ। ये देखिए, कूड़ा मैं अलग रखती हूँ, मैंने एक बाउल रखा हुआ है। और प्याज को थोड़ा कट कर लेंगे छोटा छोटा। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें थोड़ा 2 टेबलस्पून तेल डाला है, सरसों का तेल। और ये देखिए, मैंने प्याज कट कर लिए हैं और 2-3 हरी मिर्च है। अदरक को मैं ग्रेट कर ले रही हूँ, घिस ले रही हूँ, कद्दूकस कर ले रही हूँ। और लहसुन को भी मैं कद्दूकस कर लूँगी तब तक जब तक तेल गर्म होगा। और इस तरह मैंने सब कट करके कर लिया। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने 1/4 स्पून जीरा डाला है। फिर उसमें मैंने तेज़पत्ता डाला, 2-3 तेज़पत्ते डाले मैंने। फिर मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी, थोड़ा सा मैं हींग डाल रही हूँ। आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको हींग पसंद नहीं है तो। और उसके बाद मैंने जो महीन प्याज काटी हुई थी स्मॉल पीसेस में, उसको डाल रही हूँ। और फिर इसको थोड़ा सा भुनेंगे, हल्का सा सुनहरा होने तक इसे हमें प्याज को भुनना है। जब प्याज सुनहरी भूरी हो जाएगी तब उसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालना है, या आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको भुनेंगे। फिर इसमें हम अदरक और लहसुन घिसा हुआ डाल देंगे। इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। बच्चों को खाना है तो आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से बीच में स्पेस बनाकर हम उसमें 2 मीडियम साइज़ महीन कटी हुई टमाटर डालेंगे, छोटे छोटे पीस में कटी हुई। और उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमने जो है उसमें भी डाला हुआ है, राजमा में भी डाला हुआ है, तो इसका ध्यान रखना है। ढक के रख देंगे। जब तक टमाटर थोड़े पक रहे हैं तब तक मैं आसपास का एरिया साफ कर लेती हूँ। और जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तब हम थोड़ा से मसाले को भूनेंगे इस तरह से। और जब तक टमाटर गल रहे थे मैंने चावल और आटा निकाल लिया, ये देखिए, तो साथ में काम चलता रहता है। जब तक ये थोड़ा और भुनेगा तब तक मैं चावल धो के रख लूँगी। और इसमें अब हमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये देखिए, मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है अंदाजे से, और 2 चुटकी गरम मसाला हम बाद में भी डालेंगे जब राजमा बन जाएगा। फिर हम राजमे को इस तरह से, राजमे के पानी को छान के इस तरह से हम राजमे के साथ इसको फ्राई करेंगे। और राजमे का पानी निथार कर इसमें डालेंगे
और इसको अच्छी तरह से थोड़ा भुनेंगे। थोड़ा सा मुझे लाल मिर्च कम लग रही थी तो मैंने डाल दी, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ। अब इसमें मैं कोई भी नमक नहीं डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इसका एक अलग स्वाद आता है, चटपटा सा। और इसमें मैंने बाकी राजमा पानी सहित मिला दिया है। जो राजमे का पानी था जिसमें हमने राजमा बॉयल किया था उसको फेंकना नहीं है, उसको हम राजमे में इंक्लूड करेंगे। और आप इसकी थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं तो आप उस थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। अभी इसको मैं फिर से 2-3 सीटी लगाऊंगी, तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। ये आटा मैंने गूँथ लिया है, अब इसको ढक के रख देंगे। चावल मैंने धो लिए हैं, उसको भी ढक के रख दिया है। अब मैं किचन साफ़ कर दूंगी, जब तक कि राजमा की सीटी आती है। राजमा को 2-3 फुल सीटी आनी है और फिर उसके बाद बंद करना है, तब तक मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। हरी धनिया कट कर ली है राजमा में डालने के लिए, और ये सलाद है। इसमें एक मूली, 2-3 गाजर, टमाटर है और नींबू और हरी मिर्च है। इस तरह से फिर मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब खाना होता है तब चावल की सीटी लगाती हूँ और गर्म रोटियाँ बनाती हूँ। और ये कढ़ाई मैंने इसलिए रखी है कि अगर राजमा गर्माना पड़े तो। घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ और जब लंच करना है तो ये देखिए कढ़ाई को मैंने यूज़ किया है राजमा गर्म करने के लिए, और ये मैंने चावल सीटी लगा दी है। तो राजमा को थोड़ा सा मैंने लिक्विफाइड ही रखा है, क्योंकि चावल के साथ खाना रहता है तो थोड़ा सा उसमें रसा होना चाहिए। राजमा गर्म हो जाएगा तो उसको मैं कैसरोल में रख लेती हूँ, और इसमें मैंने धनिया डाल दी। और अब मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ। तो रोटियां बनाने से पहले आटा को एक बार और अच्छे से गूँथ लेते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आटा को लपेट के रख देती हूँ और फिर जब रोटी बनानी होती है उसके पहले थोड़ा सा गूँथ लेती हूँ, तो आटा एकदम सॉफ्ट मुलायम होता है और रोटियां भी बहुत फूली फूली बनती हैं। अभी आप देखिएगा। और मैंने इस तरह से नीचे कपड़ा लगा रखा है ताकि जो पैथन है, जो आटा है, वो स्लैब पर ना गिरे। और ये फटाफट रोटियां तैयार हैं, तो मैं साथ में खाना परोसती भी चली हूँ। तो गरम गरम रोटियों के साथ राजमा का अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मैं गाय के लिए निकाल रही हूँ। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं पूरा खाने का थोड़ा थोड़ा पार्ट गाय को ज़रूर निकालती हूँ। हमारे बाहर गाय आ जाती है तो मैं उसे खिला देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा लंच तैयार है। गर्मा गर्म रोटी और राजमा, सलाद और थोड़ा सा अचार, ये सेम का अचार है। तो मैं चावल बाद में परोसती हूँ गर्मा गर्म। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ पे जो घंटी है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।